नमस्कार, जराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा इस बार कब है? शरद पूर्णिमा का समय, शुभ मुहूर्त, इसका महत्व और आखिर शरद पूर्णिमा इतनी ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। शरद पूर्णिमा इस बार पंचांग के अनुसार 19 अक्टूबर 2021 अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को है। इस पूर्णिमा की तिथि को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसके साथ ही इस तिथि को कुजागरी पूर्णिमा, राश पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कुजागरी पूर्णिमा से क्यों कहते हैं? शरद पूर्णिमा को कुजागरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। कुजागरी पूर्णिमा का पर्व पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखकर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से आर्थिक दिक्कतों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन इसको महारास पूर्णिमा भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने रचाया था महारास। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। इस तिथि को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। रात में खीर को आसमान के नीचे रखा जाता है और इस दिन अमृत वर्षा होती है, ऐसा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की तिथि से ही सर्दियों की शुरुआत भी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है। शरद पूर्णिमा का महत्व क्यों है इतना ज्यादा? शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है। शास्त्रों में भी लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में वैभव बढ़ता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्तमान में चतुर्थ मास चल रहे हैं। मान्यता है कि चतुर्थ मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम करते हैं। चतुर्थ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर अमृत की बूंदें बरसती हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं के अनुसार मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस तिथि को रात्रि में खुले आसमान के नीचे चावल से बनी खीर रखते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। इस तिथि को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण ये किरणें मनुष्य को कई सारी बीमारियों से दूर रखने सहायक होती है। ये खीर खाने से असाध्य रोगों से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। शरद पूर्णिमा की तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने महारास में रचाया था। पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की तिथि से ही सर्दियों का आरंभ हो जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा का सबसे शुभ मुहूर्त कब है? पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को शाम 7 बजे से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2021 बुधवार की रात्रि 8:20 पर समाप्त होगी। यह इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त को ही सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो इस शरद पूर्णिमा का हमने आपको शुभ मुहूर्त बताया, इसका इतना ज़्यादा क्यों महत्व है यह भी बताया, और आपको यह भी बताया कि इसको महारास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इसको कुजागरी पूर्णिमा भी क्यों कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।